Glass Bridge Mermaid Rescue। कीर्तिपुर के गांव में गंगाराम कहकर एक व्यापारी रहता था। एक दिन उनका असिस्टेंट मिदुन से गंगाराम, अरे मिदुन, मुझे कब से लेकर एक डाउट है, सब लोग साइको साइको कहते हैं ना, वो कौन है, वे क्या करते हैं? सर, मैंने जो किताबों में पढ़ा है, साइको लोग वो होते हैं कि मानसिक रूप से उनको कुछ क्लैरिटी नहीं रहता है सर। उनके खुशी के लिए दूसरों को कितना भी सताने के लिए देखते रहते हैं सर। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हो सर? कुछ नहीं है रे, परसों मेरे पास हमारे गांव वाले आए थे, गांव का ब्रिज टूट गया है, कह रहे थे मैंने अच्छे से कमाया है ना, मुझे निर्माण करने के लिए पूछ रहे हैं। मैं तो बनाऊंगा कहकर वचन दे दिया, लेकिन अब उन एड़ों को हेल्प करने के लिए मन नहीं कर रहा है, इसलिए उस नदी के ऊपर एक ग्लास ब्रिज को बनाकर उस नदी में मगरमच्छ को छोड़ना चाहता हूँ, क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूँ, लोग तो आपको जरूर साइको समझेंगे। इतना ही नहीं, जो लोग उस ब्रिज पर जाते हैं वो दिल पर हाथ रखकर आपको ही याद करेंगे। यही तो मुझे चाहिए, मैं जो बनाया उस ब्रिज के ऊपर जो भी जाते हैं वो मुझे याद करना चाहिए। तुम तुरंत काम शुरू करो। बाद में मिथुन कुछ वर्कर्स के साथ उस नदी के ऊपर एक ग्लास ब्रिज का निर्माण किया। बाद में उसमें कुछ मगरमच्छ को लाकर छोड़ा। तब लोग घबराते हुए ही उस ब्रिज के ऊपर से जाने लगे। कुछ दिन के बाद गंगाराम उस ब्रिज के पास आया है कहकर पता चलकर उधर गांव का प्रेसिडेंट और सोनू कहकर एक ऑटो ड्राइवर आए। अब गंगाराम से प्रेसिडेंट, क्यों गंगाराम, ब्रिज अच्छा बनाया है कहकर सोच रहा था, इतने में उसमें मगरमच्छ को क्यों छोड़ा, ये कुछ सही नहीं है। देखिए मास्टर जी, बचपन में आपके पास पढ़ा था, आप बेंत को लेकर घूमते थे लेकिन मारते तो नहीं, क्यों? हमें कंट्रोल में रखने के लिए। ऐसे ही उस ब्रिज को आप सब लोगों के लिए बनाया, जिसको जिम्मेदारी नहीं है और इसका मूल्य पता नहीं है वो इसके ऊपर खेलते हैं, इसलिए नदी में मगरमच्छों को छोड़ा। अगर किसी को मुश्किल है तो बताइए और एक रास्ता देखता हूँ। तब प्रेसिडेंट और सोनू उधर से चले गए। बाद में सोनू तालाब में मछली पकड़ रहा उनका दोस्त के पास जाकर गंगाराम प्रेसिडेंट से जो बात किया वो सब बताया। अरे सोनू, तुम घबराओ नहीं, इस तालाब में एक जलकन्या है, उनसे पूछेंगे तो वो हमारा मदद कर सकती है, कहकर प्रणाम करके जलकन्या को बुलाया तो तालाब में से जलकन्या बाहर निकली। अब सोनू गंगाराम ने जो किया वो बात मरमेड को बताया। देखो सोनू, जल के प्राणों में मगरमच्छ बड़े ताकतवर होते हैं, एक तरफ से देखा जाए तो मुझे भी उनसे बच बच के निकलना पड़ता है, उनका सामना तो मैं नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उन्हें आजाद न छोड़ते हुए ऐसे जबरदस्ती कैद करके एक ही जगह रखना, इससे तो वो और भी खतरनाक बन जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक पत्थर देती हूँ, वो तुम ले जाकर नदी में डाल दो, उससे उन मगरमच्छों को लगेगा कि उन्हें उस पत्थर के पास दूर निकल जाना है और वो इस ब्रिज से दूर चले जाएंगे, कहकर सोनू को एक पत्थर दिया। तब सोनू उस पत्थर को लेकर ब्रिज के पास जाकर नदी में डाला, तब सारे मगरमच्छ उस ग्लास ब्रिज से दूर चले गए। वो देखकर लोग बिना डरे उस ब्रिज पर खुशी से घूमने लगे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद जलकन्या के वजह से मगरमच्छ चले गए हैं कहकर गंगाराम को पता चला। तब एक मांत्रिक के मदद से उस मरमेड को बंदी करके उस ग्लास ब्रिज के पास लेकर आए। तब मरमेड से गंगाराम, आहा जलकन्या, बचपन में कॉमिक बुक्स में तुम्हारे बारे में पढ़ा था, और एक बात बताऊं, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम तो मेरे मगरमच्छों को दूर बेचकर मुझे हर्ट किया, इसलिए अब मैं तुम्हें उन मगरमच्छों को आहार जैसा खिलाने वाला हूँ। देखो गंगाराम, मैं अपने मौत से नहीं डरती, मगर हम इस दुनिया में जो अच्छा और बुरा करते हैं वो हमारे पीछा नहीं छोड़ते हैं, सोच लेना वरना जिंदगी भर पछताओगे। अरे ओ मिथुन, ये जलकन्या तो नैतिक बात सुना रही है, उन मगरमच्छों को खिलाओ इसे, देर मत करो। तब मिथुन और तांत्रिक मिलकर जलकन्या को पानी में फेंक दिए। अब जलकन्या को सारे मगरमच्छ घेर लिए। उनसे डरकर जलकन्या ब्रिज के पास आई। तब मगरमच्छ उनको खाने के लिए उनके ऊपर कूद पड़े। तब ब्रिज के ऊपर ऑटो में आकर सोनू जलकन्या को हाथ दिया और ऊपर खींच लिया। बाद में गंगाराम के पास जाकर उन सबको पकड़कर खूब पीटा। तब वो उधर से भाग गए।
तब मरमेड और एक पत्थर फेंक कर उन मगरमच्छों को दूर भेज दिया। तब सोनू जलकन्या को धन्यवाद कहा और उस जलकन्या को ले जाकर तालाब में छोड़ दिया। डबल डेकर ऑटो रिक्शा रेस। कांगड़ा नाम के गांव में विपुल नाम का एक मैकेनिक रहता था। वो ऑटो का रिपेयर करते करते ये सोचता रहता था कि कोई नई चीज कैसे बनाई जाए। एक दिन उसके पास ऑटो ड्राइवर बिजू आया। नमस्ते विपुल भाई, आजकल आप हमारी परवाह नहीं करते हो। अरे यार बिजू, ऐसी बात क्यों करते हो यार? क्या हुआ, क्या बात है? अरे तुम तो जानते ही हो भैया कि पेट्रोल के दाम बढ़ गया है, लोग ऑटो की सवारी करना कम कर चुके हैं। ऊपर से आप परमेश को तो जानते ही हैं, जब तक उसके ऑटो में लोग ना बैठे तब तक वो दूसरे ऑटो में लोगों को चढ़ने नहीं देता। ऊपर से हमारी ऑटो पुरानी है और परमेश का ऑटो नया है, तो सब लोग उसी में बैठना चाहते हैं। अच्छा, तो एक काम करो, तुम अपना ऑटो यहाँ छोड़ दो आज और एक हफ्ते बाद आना, तुम्हारे ऑटो को भी एकदम नया कर दूंगा। एक हफ्ते बाद जब बीजू विपुल के मैकेनिक शॉप पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक डबल डेकर ऑटो खड़ा है। उसे देखकर विपुल से बीजू, भैया ये ऑटो है किसका? अरे कमाल का है, अरे आइडिया बहुत जबरदस्त है भैया, पर से डबल डेकर ऑटो, बहुत रंगीन है, बहुत ही बढ़िया है भैया। क्यों बीजू भैया, तुमने पहचाना नहीं कि ये ऑटो किसका है? ये ऑटो तुम्हारा है, मैंने एक पुराने ऑटो की बॉडी को इसमें सेट कर दिया। सच भैया? और एक मजा आ गया भैया, बहुत बहुत थैंक्स। अब मेरे ऑटो को देखकर मेरे सारे दोस्त तुम्हारे पास ही आएंगे, तुम देखते जाओ। कहकर अपना ऑटो लेकर चला गया। जब लोगों ने उस डबल डेकर ऑटो को देखा तो सब उसमें चढ़कर बैठने लगे। अब जब गांव में डबल डेकर ऑटो जा रहा था तो सब उसे हैरान होकर देख रहे थे। ये देखकर बाकी ऑटो ड्राइवर्स भी अपना ऑटो लेकर विपुल के पास गए और वैसे ही डबल डेकर ऑटो बनाने के लिए उससे कहा। विपुल ने उन लोगों के लिए भी कम खर्चे में डबल डेकर ऑटो बना कर दिया। तब से लोगों ने परमेश के ऑटो में बैठना छोड़ दिया और डबल डेकर ऑटो में ही सवारी करने लगे। एक दिन परमेश अपने ऑटो के ड्राइवरों के पास गया। क्यों भाई, चार दिन मैं गांव में क्या नहीं रहा कि तुम लोगों ने घर में पैसा भेजना ही छोड़ दिया? तुम लोग समझते हो कि मेरे घर पर पेड़ लगा है पैसों का? कहां से पैसे भरेंगे भैया, चार दिनों से कोई भी ग्राहक हमारे ऑटो में नहीं बैठा है, सब उन डबल डेकर ऑटो में ही बैठ कर जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि बीजू ने डबल डेकर ऑटो बनवाया है, क्या चक्कर है? सिर्फ बीजू ही नहीं, उसके साथियों को भी विपुल ने डबल डेकर ऑटो बनाकर दिया है। जब उन सब ने डबल डेकर ऑटो बनवाया, तुम लोग क्या कर रहे थे गधे? तुम लोग भी विपुल के पास जाकर अपने लिए ऐसे ही ऑटो बनवाते? हमने पूछा था भैया, पर उसने साफ मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि तुम ऑटो ड्राइवरों का मालिक परमेश कमीना है, वो लोगों पर धौंस जमाता रहता है, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कहा भैया। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, अपना मैकेनिक है ना, उससे बनवाते हैं, बाद में मैं उनकी खबर लूंगा। वो तो ठीक है भैया, हम बनवा लेंगे, लेकिन फिर भी लोग हमारे ऑटो में बैठेंगे, इसकी क्या गारंटी है? लोगों को बीजू और उसकी टोली की आदत सी पड़ गई है भैया। तुम सोचते हो कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है? मेरे पास इसके लिए एक तरकीब है, जब अपने डबल डेकर ऑटो बन जाएंगे तब बीजू और उसके साथियों को उकसाएंगे और हमसे रेस लगाने के लिए भड़काएंगे, तब उनके पुराने ऑटो को अपने नए ऑटो से गिरा देंगे, फिर उन्हें बेकार कर देंगे, तब सिर्फ अपने डबल डेकर ऑटो बचेंगे, फिर हमारा राज चलेगा इस गांव में, फिर डबल डेकर ऑटो में दुगने दुगने पैसे कमाएंगे हम। यूं अगले दिन परमेश अपने मैकेनिक के पास गया और अपने सारे ऑटो को डबल डेकर ऑटो में बदल दिया। फिर बीजू और उनके साथियों के पास आया और उनसे रेस में भाग लेने के लिए उकसाया। ये बात बीजू ने विपुल को जाकर बताया। यार बीजू, रेस में भाग लेने से ना डरो, असली बात यह है कि उसके ऑटो ड्राइवरों से ज्यादा तुम सबको डबल डेकर ऑटो चलाने का अनुभव है। एक खास बात का ध्यान रहे, वो लोग तुम्हारे ऑटो को टक्कर मार के गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम लोग उस बात पर ध्यान ना देते हुए जीत पर ही नजर रखो, सड़क पर ही चलाना, ठीक है? तब बीजू ने ठीक है कहा और जाकर अपने साथी ऑटो ड्राइवरों को भी ये बात बताई। सबने ये बात ध्यान से सुना।
अगले दिन गांव वालों के समक्ष में बीजू और परमेश के ऑटो ड्राइवरों का मुकाबला हुआ। लोग ये देखकर ताली बजा रहे थे। परमेश के ऑटो ड्राइवर्स बीजू के साथियों को टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजू और उसके साथी उनकी परवाह ना करते हुए ऑटो चलाने में ही ध्यान लगा रहे थे। इस तरह वो बड़े सूझबूझ से परमेश के ऑटो वालों से बचते हुए आगे जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि परमेश के ऑटो ड्राइवरों का संतुलन बिगड़ गया और एक दूसरे से ही टकराने लगे और नीचे गिरने लगे। इस तरह बीजू और उसके साथी वो रेस जीत गए। ये देखकर सब ताली बजाने लगे। तब विपुल आया और बीजू और उसके साथियों की प्रशंसा करने लगा।